अभिमानाची गोष्ट आहे आणि एक वेगळंच वाटलं मला की सर माझे असते का, कारण जसं सर म्हणाले प्रस्तावनेत ती म्हणाली की हो जवळजवळ 39-40 वर्षाची कारकीर्द आहे, जेव्हा माझा जन्मही झाला नव्हता तेव्हापासून ते काम करत आहेत, तर ह्या 1.5 महिन्यात आम्ही एकत्र खूप होतो, आम्ही खूप गप्पा मारल्या, तर असे खूप अनुभव आहेत जे आम्हाला माहीत नव्हते, ते मी आणि सौरव गोखले आम्ही एकत्र त्यांच्यावर बसायचो, त्यांचे सगळे अनुभव ऐकत बसायचो, तर असे असे अनुभव आहेत की करेक्ट आहे यार की हे कुठेतरी यायला पाहिजे, हे लिखित स्वरूपात यायला पाहिजे, हे कुठेतरी व्हिज्युअली स्वरूपात यायला पाहिजे, ते ॲपच्या माध्यमातून येते ही चांगली गोष्ट आहे, कारण सिनेमा बदलत गेला, थिएटर बदलत गेलं, नट तोच होता आणि त्या माध्यमात तो काम करत होता, निर्माता दिग्दर्शक अभिनेता या सगळ्या बाबतीत ते खूप वेगळ्या पद्धतीने काम करत होते, हे या 1.5-3-4 महिन्यात आम्हाला कळलं, सो हे खूप चांगलं औचित्य आहे की अशा पद्धतीने त्यांची कारकीर्द एका ॲपद्वारे फक्त महाराष्ट्रात किंवा भारतात नाही तर जगभर पोचू शकते, पण त्याचं मी काय हे मला उत्तर कळलं नाही, पण सरांनी मला कार्यक्रमासाठी बोलवलं आणि मला हा माझा एवढा मान वाढवला त्याबद्दल मी सरांचा आभारी आहे, पण मला खूप असं भरूनही येते आणि खूप मस्तही वाटतंय की म्हणजे इतकी वर्ष काम करत सुद्धा तो नमस्कार माझ्या बाजूला बसलेले आतिक भाई वासू आणि माझा ज्येष्ठ श्रेष्ठ मित्र सिद्धार्थ जाधव विजय कदम दिलीप ठाकूर, कारण हे मला तुम्ही पत्रकार वाटत नाहीत कोणी, ज्योती हे माझं फार इंडिव्हिज्युअल पहिल्यांदा एक ॲप येत आहे, त्यासाठी मला नाही वाटतं पत्रकारांना बोलवलं आहे, माझ्या काही मित्रांना बोलवलं आहे, आमचे नानूभाई आहे, मंदार आहे, समितचं नाव घेतलंच मी, माझी बायको, माझी मेवळी, माझा मुलगा आणि सगळे ही वासूची मिसेस वगैरे, मी अशी का नावं घेतो आहे कारण हा असं फार इन्फॉर्मल असा सोहळा आहे असं मला वाटतं. सिद्धूला मला का बोलत तुम्ही, कारण मी ह्या महिन्याभर सिनेमाचं शूटिंग करत असताना सिद्धूचा जो मी अप्रोच बघितला ना, एक नट म्हणून अप्रोच कसा असायला पाहिजे, सिद्धू तुझ्याकडनं शिकलो, तर आज पण मान्य करतो, मला मान्य करताना काही लाज वाटत नाही त्या गोष्टीची की आम्ही तसे कन्व्हेन्शनल कन्झर्वेटिव्ह, ज्योतीने आम्हाला तर गेली 30 वर्ष बघतोय, व्हेरी कन्झर्वेटिव्ह ॲक्टर, ही आताची पोरं जी आली आहेत ना ही खूप हुशार आहे, त्याचा एक अप्रोच जो आहे, माझा सिनियर विजय कदम बघा ना, आम्हाला कधी आमची ही गोष्ट लाल म्हणून आम्ही लाल कोट घालून आलो आहे, लाल आता सगळं लालच करणार मी, तर मी असं म्हणत नाही की काहीतरी लोकांना आवडतो, मी जेव्हा बाहेर होतो तेव्हा तुमचं हे आवडलं, तुमचं ते आवडलं, तुमचं काम करताना हे आवडलं, ते कधी येत आहे, तर कदाचित हे ॲपमध्ये विजय पाटकर पर्सनलाइज ॲप, मतलब आज आप व्हाट्सअप पे जाते हो, फेसबुक जाते हो, मतलब यहाँ तो बहुत कई लोग आते हैं, मतलब कई लोगों की आपको हिस्ट्री वहाँ पढ़ने को मिलती है, लेकिन ये ऐप ऐसा है कि पर्सनल ऐप, यहाँ सिर्फ आप विजय पाटकर के बारे में जान सकते हैं, सिर्फ मेरे फ़ोटो आ सकते हैं, या सिद्धू और मेरा रहेगा, या रणवीर सिंह या मेरा रहेगा, या अजय देवगन या मेरा रहेगा, लेकिन विजय पाटकर कॉमन रहेगा क्योंकि ये मेरा ऐप है, और मतलब यहाँ से मतलब लोग मेरे से बात डायरेक्टली बात कर सकते हैं या मैं उनसे बात कर सकता हूँ, जो जो ये लोड करेंगे, मतलब ये ऐप लोड करेंगे उनसे मैं सीधा बात कर सकता हूँ, ये लोड होने के बाद अगर मैं कुछ नया डाल रहा हूँ तो आपको भी बीप आ सकता है, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अरे विजय पाटकर क्या है भैया, जैसे एक नया ऐप आता है तो वैसे आपको वहाँ नोटिफिकेशन आ सकता है, वहाँ तो ऐसे कई चीज़ें जिनके ज़रिए मैं अपने ऑडियंस के नज़दीक और भी जा सकता हूँ, मेरे बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो वो मिल सकती है, जो फेसबुक पे या वैसे नहीं मिलती है तो वो ऐप में सिर्फ मेरे बारे में या जो भी मैं कर रहा हूँ, फ्यूचर में कुछ कर रहा हूँ या अभी कर रहा हूँ, प्रेजेंट में कुछ कर रहा हूँ, ये सब बातें लोगों को मिल सकती है, जान सकते हैं मेरे कैसे जहन में आई भैया जी ये बात, अगर मनानी चाहिए क्योंकि ऐप तो बहुत सर, पर आप कैसे जहन में आए चीज़? नहीं मरद में तो ये पहली बार हो रहा है, ये जो किनशिप हब के लोग मुझे अप्रोच हुए तो एक महीने तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि ये क्या होना है, क्या होने वाला है, क्योंकि हम लोग सेवी नहीं है, मतलब मैं सेवी नहीं हूँ उतना, क्योंकि उसके बाद पता चला कि अगर हमें कुछ इंडस्ट्री में कर रहे हैं तो कुछ करना चाहिए, हम जो कर रहे हैं वो लोगों के तक जाना चाहिए, पहुँचना चाहिए, अपना हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे करते हैं उतना होता नहीं, आज जितना करो कम है, डिजिटल प्लेटफॉर्म करो, व्हाट्सएप करो, फेसबुक करो, इवन तो ये ऐप करो, जितना करो कम है, आज इतने आप हिंदी एक्टर को देखो,
सलमान खान है, आमिर खान है, बच्चन साहब है, जो करते मतलब आज इतने वो इतने 40-50 साल उन्होंने गुजारा है इंडस्ट्री में, उसके बावजूद भी वो करना चाहते हैं और कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर हमारी मराठी इंडस्ट्री ऊपर लानी है, नॉट ओनली मराठी इंडस्ट्री, मैं तो हिंदी में काम कर रहा हूँ, देखो खुद को बेचना है, तो ये सब चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। लोगों को आज यूथ इतना अवेयर है, इतना शार्प है, तो उनके पास हम पहुँचने चाहिए। अच्छी चीज़ें वो मुझे सहराएंगे, अगर मैंने बुरी की तो वही मुझे बता देंगे भाई ये जो कर रहे हो वो बहुत बुरा कर रहे हो, तो मुझे पता चलेगा, इमीडिएट पता चलेगा। मराठी फिल्में जो हैं काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल पे हो गई हैं, अभी पैसे बड़े बजट की बनती हैं। एक टाइम था कि मराठी फिल्म एक छोटा थी वहीं तक सीमित रहता था, क्या कहना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं? नहीं, बजट तो मतलब है, मतलब अच्छी फिल्में करने तो बजट तो होनी चाहिए। पहले था एक एक दो चार तरह के सब्जेक्ट आते थे और होती थी, तो उसके लिए 30 लाख 40 लाख 50 लाख 60 लाख काफ़ी होते थे। अभी काशन खाने के इसका बजट 7 करोड़ है, अभी ये पैसे इन्होंने की थी जो पहली सुपर इन्होंने फिल्म की, इनका बजट 6 करोड़ था। अभी कई फिल्में आ रही है, एक महेश मांजरेकर फिल्म कर रहे हैं, वो 10 करोड़ बजट है उसका, मतलब बजट मायने रखता, आपका सब्जेक्ट क्या बोलता है। मराठी में भी बड़े बजट के और दूसरा के काफ़ी सुपरस्टार जो मराठी में भी आना चाह रहे हैं और कुछ आ रहे हैं, सब आ रहे हैं, आना चाहते हैं, सब आ गए। आमिर खान भी करना चाहता है, अजय देवगन ने किए, रणवीर सिंह हमारे बात कर रहा था भाई अच्छा है तो हम करेंगे, मराठी में कुछ करेंगे, रोहित शेट्टी कर रहे हैं, रोहित शेट्टी ने ऑलरेडी पिक्चर प्रोड्यूस किए, मतलब अच्छी चीज़ है। बिजनेस तो बिजनेस एक जगह है, अगर अच्छी चीज़ें हैं होनी है तो बजट बहुत बहुत ज़रूरी है। सर क्या कहना चाहेंगे आप ऐप के बारे में? नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, और पहले तो दुनिया में पहुंचने के लिए हम लोग वेबसाइट बनाते थे जहां दुनिया के कोने कोने में लोग हम देखते थे। ये अभी तो हर एक के पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें एंड्रॉयड है या फिर आईफोन है, तो ये चीज़ें ऐप जो है ये बहुत ईजीली मिलती है। और मैं तो सर के साथ अभी 4 महीने शूट कर रहा था, तो उनके बारे में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे मालूम भी नहीं थी। तेज़ाब के टाइम पे इनके किस्से, या फिर उन्होंने खुद जो फिल्म डायरेक्ट की थी एक उन्नाड दिवस उसके किस्से यार हमको मालूम ही नहीं थे। अशोकमान लक्ष्मण के साथ इनकी जो दोस्ती थी, सचिन गांव के साथ सर के साथ इनकी दोस्ती थी, वो सब किस्से इन्होंने मुझे बताया। तो हम तो नए, मैंने पहले ही बोला कि मेरी उम्र भी नहीं जितना इनका करियर है, तो इतना एक्सपीरियंस है वो अगर ऐप के ज़रिए हम जैसे आने वाले कलाकारों को या हम जैसे नौजवान कलाकारों को उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है तो अच्छी चीज़ है और ये होनी चाहिए। और मुझे अच्छा लग रहा है कि इनसे शुरुआत हो रही है, तो ऐसी चीज़ें टेक्नोलॉजी के साथ आ रही है वो अपनी हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। आपकी कॉमेडी भी देखने को मिलेगी, कुछ डालेंगे इसमें? हाँ, वो तो उसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी विजय पाटकर सर का सिम्बा देख लो, नहीं अच्छा है, सब अच्छा है, सर के साथ बहुत काम किया है हम लोग सर के साथ। मैंने एक वो तो क्लिप आएंगे अपनी प्रेमा तो झोलझाल करके अपनी फिल्म की थी, उसके बहुत सारे कॉमेडी सीन है, वो शायद से ये ऐप में आपको देखने को मिलेंगे। नया साल आ रहा है, क्या प्लान है नए साल के? कुछ प्लान नहीं है, ये फिल्में रिलीज़ हो रही है, अच्छी अच्छी मराठी फिल्में अच्छी रिलीज़ हो रही है, हिंदी फिल्में रिलीज़ हो रही है, तो इन्जॉय करेंगे यार, अच्छा कर रहा है। आप सबको नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं सिद्धार्थ जाधव, आप सबको नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं विजय पाटकर, आपको नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं। धन्यवाद, थैंक यू।